साथ में आकाश इंट्रोड्यूसिंग आकाश पोज दे माने और गोपी। हेलो दोस्तों, हम बताएंगे आज आपको धुंधी की वादियां जहां पर 5 फुट बर्फ पड़ चुकी है। देर में पता लगेगा, अगर हमारे कॉल आती है तो हम गाड़ी ले जाएंगे अपनी। कॉल आती है जो मर्जी बोलते हुए गोपी डॉन जी, इनको समझ नहीं आ रहा कैमरे के सामने क्या बोल रहे हैं। फोन आएगा ना रहा, ट्रैफिक से आएगा, अगर वहाँ गाड़ी कोई पहुंचती है तो फिर वो हमारे कॉल करेंगे। गोपी जी की काफी अच्छी डीलिंग है धुंधी, मेरे को नहीं लगता कि हम पहुंच पाएंगे वहाँ 4 किलोमीटर। हम बोला चलो, तुमने कब जाना? सही बात है, 1:30 बज गए, रात को जाना है। रात को क्या टॉर्च डाल के देखनी? हम जाएंगे भाई, हम रात को स्टे करेंगे वहां पे। उसने ठग गए मुझे। ₹500 हमारे पास सबके पास, पिज्जा खाने चलते हैं। चलो चलो मैं ना एक घंटा हमारे को, कितने बजे आए तुम? ये 12:30 बजे आए हुए हैं, 12:30 पे, और अभी 2 बजने को हो रहे हैं। तो बंदा अभी तक नहीं आया, खाना खा रहा हूँ ना आ रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आ चुके हैं अभी शर्मा जी, आ चुके हैं। हाँ अभी इतना टाइम क्यों लगाया तुमने? अरे नारा था, दूर नारा तो दूर। जा अपना चार्जर ले गया, जा चार्जर भूल गया था ना उसको। ओके ओके, इसमें कैसे जाते, किसको ना बोले, पूछो में आ रही गाड़ी ऊपर नहीं। कौन सी गाड़ी पूछ ले एक बार। ठीक है ओके ओके, जाना का मैं बता दे, फुल लेन चल ले फिर होगी बात। बंदे होए मंगे बना ली एक वाले, कितनी बार बना ली गए आप? तू गया स्वा पहली बार तो मैं लेके उस बुंदर सा की दुनिया देखी। जब दाढ़ी मुछ निकली मनाली में, बचपन बिता भाई। रुक जा मैं इसको खोल देता हूँ। तो इसको मैंने फोल्ड किया अभी, बाकी अभी प्लान कर रहे हैं यहाँ से जाने के लिए मनाली या फिर मणिगन। तो कहाँ का बन रहा प्लान? कहाँ जा रहे? हाँ बरछेड़ी, इधर सच में यार बिछड़ी रहने के लिए। तो चलो चल फिर। अभी निकलते हैं हम बिछड़ी की तरफ। डाका सुनाते हुए आकाश सुना रहा है, ठंड को निपल से मारा है, कहूं है बोल निपल से। एक मिनट ही है ये सब कुछ बैठ उतना ज्यादा ना। ओके तो कसूल रह गया यहाँ से बस 5 से 6 किलोमीटर। अपनी जिप्सी यहाँ पे लग गई है और वो सामने का व्यू, और अभी स्नोफॉल हो रहा है उधर, बिल्कुल लाइव स्नोफॉल है। ये सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस है। 20 किलोमीटर तो हो गया हमारे को, 20 किलोमीटर तो हमने चला ली। इस तरफ से हम आए हुए हैं और वो उधर जा रहे हैं। वेलकम टू कसोल। तो कसोल हम पहुंच चुके हैं और ऐसा है कुछ यहाँ का। अभी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम डायरेक्ट आगे जाने वाले हैं। तो लेट्स गो। ओके तो पहुंच गए हम, लो पहुंच गए हम पुलगा। ऐसे इसमें निकाल के सिर्फ हमारी जिप्सी निकली आगे, एक भी गाड़ी नहीं आगे, सिर्फ जिप्सी। पीछे बैठ के ना चक्कर आ जाते बिल्कुल। ऐसे इस काश को निकालना भी हमने दिए पैसे, क्या मतलब छोटे भाई अभी बंदे बैठते हमेशा आगे, याद रखिए। इसको निकालेंगे मैं अभी गोपी पीछे को गाड़ी फंस चुकी है यहाँ पे।
यहाँ से आगे यहाँ पे गड्ढा है और सामने के ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ी दिक्कत कर रही है, तो देखते हैं निकलती है कि नहीं। वो फिर से फंस गई। लो जी एक और गाड़ी आ गई। धक्का देके कहाँ होना रहा? अब आगे का प्लान यहाँ रहने का था, लेकिन सोच रहे हैं निकलते वापस। तो ये यहाँ पे हमने लगा दिया जिप्सी, और वो सामने भाई मुश्किल से अभी बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने, मुश्किल से ही निकलेगी शायद। ये देख सकते हो आप, एक और पीछे से कैंपर है। कहाँ जाएगी यार, ब्लैक आइस है इसकी वो ये ब्लैक आइस वाला बंदा। चार चार फुट बर्फ, इतनी ज्यादा बर्फ, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ बर्फ। ये क्या चला इनके अरे मौसम क्या अल्टीमेट हो रहा है, और बादल अभी बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल ब्लू हो चुका है स्काई पूरा, और इस तरफ स्नो है और उस तरफ क्लीन है सारा एरिया। तो बस कछुआ स्थानांतरण है ये भेड़ रथ भी जरूर, इसको भेड़ बनाने की कोशिश की गई है यार। भेड़ नहीं पहनती है चश्मा यार, क्या बदतमीज हरकत कर रहा है तू। ये बन गई अल्टीमेट, इसकी मुंडी नहीं तुमने बड़ी बनाई, ए बन गया तो एक घंटा हो गया ऊपर, क्या कर रहे है? अब इसका सर दर से अलग कर दिया जाएगा। मैं तो काटने वाला हूँ बैठने के चक्कर में सबसे आगे भाग गया, हमने नहीं जाना बचपन में टाइम हो गया बोला मिट्टी बंदा मैं गया बोला। चलो अब आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं, यहाँ पे ये जो एक घंटे से कर रहे हैं इसको दिखाते हैं जरा। एक कैंपर यहाँ पे लगी हुई है, एक जो है बलैरो पे कबूतर है, एक जिप्सी यहाँ पे। तो अभी ये बिल्कुल फंस चुकी है, इसको एक घंटा हो चुका है, इससे आगे जाने की इच्छा नहीं क्योंकि बस जो ब्लॉगर हमारे फेमस ब्लॉगर, तो ये है कब से चल रही है वो, ये नहीं चढ़ने वाली। तो हम यहीं तक आए थे, तो अभी वापस जाएंगे हम, उस देखते हैं आगे का क्या क्या प्लान रहने वाले। तो लेट्स गो। ये 4x4 है, क्या हो गया? अच्छा खींचेंगे इससे, खींचने का प्रयास करेंगे तो। अच्छा इसको खींचेंगे इससे, अरे वाह। ये 4x4 है, ये 2x4 है, तो देखते हैं अभी इससे टो करेंगे
और इसको बांधेंगे और निकालेंगे, देखते हैं। 4x4 है। आगे का रास्ता ऐसा है पूरा। कर दिया इसको टो, अब बन चुकी आगे 4x4 से। चलो देखते हैं अब। अरे वाह निकल गई। अरे वाह बहुत बढ़िया। अरे 4x4 ने इसमें पावर काफी ज्यादा है। 4x4 फ्लैर मशीन पर देखिए बड़े आराम से प्यार से टेंपर में जीप को टो कर दिया। ये अपनी जिप्सी है, अब देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। तो लेट्स गो। यो बोलते चलो चलो यो बोलते ये दुकान है अपनी। ये लड़का कुल्लू वाला जिप्सी राइड करने वाला। बाऊ 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 थी टाइम से कैसे ए पॉइंट इसको शहर की कटवारा उसने। थोड़ा सा आगे हम वापसी पे हम एक जगह पे रुके हुए हैं। और ये वाली जो जगह है यहाँ से ये पुल है, पहले नहीं हुआ करता था, अभी कुछ टाइम पहले ही बना हुआ। और यही वाला रूट है खीरगंगा के लिए, इस पहाड़ों के बीच से होकर उधर आगे की तरफ जाते हैं। तो ये खीरगंगा वाला रूट। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे ही रुके थे, सामने का व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो बस अभी आपको ये दिखा दिया। और अपनी वाली जो जिप्सी है वो ऊपर यहाँ पे खड़ी है, दोस्त सारे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तो बस लेते हैं कुछ एक फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ यहाँ पर, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। वो सामने का व्यू तो अल्टीमेट है। वो उधर के लिए जा रहा है, कौन सा ट्रैक है? खीरगंगा ट्रैक। यहाँ से जाते हैं, दो रूट है, एक यहाँ से होकर एक उस पहाड़ से होकर। तो ये सामने डैम है ऊपर, इन पहाड़ों में मतलब 12 महीने रख लो आप, स्नो पड़ी रहती है। तो ये भी जिप्सी अपनी यहाँ पे है और डैम सामने, ये अभी अभी बना हुआ है रिसेंटली। पहले जाते थे ट्रैक के लिए यहाँ से पूरी इस नदी को क्रॉस करके, नदी के बीच से होकर उधर, तो उधर जाते थे खीरगंगा ट्रैक के लिए। अरे क्या प्यारा जैसा है। आकाश है ये, आकाश है कितना प्यारा ये। यहाँ देखो गोपी आकाश, आकाश को देखिए आप। ये पता नहीं कैसी कहाँ देखना पड़ रहा है आकाश। ये डैम है। इसको गया एक घंटा यहाँ पे आके, देखो इसको नहीं पता लगा ये डैम है, बोला क्या ये शिलाखंड वाला प्रोजेक्ट है ना ये, हो ये बड़ी नदी निकलनी है वहां। अच्छा ये भी साइड में है, फिर गंगा रुद्रनाग सारा। अभी मणिकर्ण और ऐसा कुछ नाइट व्यू। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।